नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पालक आलू की रसेदार सब्जी बनाएंगे। पालक बहुत ही हेल्दी होता है और हर सीजन में मिलता है, तो चलिए बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी सब्जी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो पालक आलू की रसेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा केजी पालक। मैंने अच्छी तरह से इसे साफ करके तीन पानी से धो लिया है। और पालक दो तरह के आते हैं बाज़ार में। ये इस तरह का पालक है जिसका जरा रेड होता है। ये पालक दूसरे टाइप का पालक से ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका डंठल मैंने इस तरह से काट कर और साफ करके लिए हैं, तीन पानी से धो लिए हैं इसे। और आलू 9-10 पीस छोटे साइज का लिए हैं, अच्छी तरह से धोकर लिए हैं। दो चम्मच तेल, चम्मच घी, एक हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो लहसुन की कलियाँ, ये बड़े बड़े कलियाँ हैं इसलिए दो लिए हैं, आप छोटे ले तो चार ले लें। दो तेज पत्ता, दो लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा, एक पिंच हींग। हींग ऑप्शनल है, आप पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो इसे अवॉइड करें। हल्दी आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच लिए हैं। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो इसके जगह मैदा 1 चम्मच मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन चावल के आटा डालने से सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छी आती है। दो टमाटर को बारीक काट कर लिए हैं, हरा धनिया बारीक काट कर 4 चम्मच लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक और आलू को उबालना होगा। तो चलिए सबसे पहले पालक आलू को उबाल लेते हैं। तो पालक को सबसे पहले काट लेंगे। इसमें रखते जाएंगे। तो देखिए सारे पालक को काट लिए। अब एक कुकर लेंगे, अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे और इसमें 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी, सिर्फ 2-3 चम्मच। अब इसके ऊपर ये पालक डालेंगे। तो आलू पालक को कुकर में रख लिए, ये ढक्कन लगा लेंगे हम। अभी साग से भरा हुआ है कुकर, तो कुकर गैस पर रख कर गैस ऑन कर देंगे। तो देखिए पालक थोड़ा कम हुआ है, कुकर में थोड़ा जगह बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन, लहसुन एक कलिया को इस तरह से काट कर रख देंगे। और हरी मिर्च दो टुकड़ा काट कर रख लेंगे और अदरक को भी मोटा मोटा काट कर डाल देंगे इसी में। और एक लहसुन की कलिया को रख लेंगे हम। तड़का लगाएंगे इसका और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने देंगे इसमें। तो देखिए कुकर में 2 सीटी लग चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन निकाल कर इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम पालक को निकाल कर पीस लेंगे और आलू को छील लेंगे। पालक पीसने के लिए मिक्सी जार में रख लेंगे हम। पालक, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को इस जार में डाल लिए हैं और आलू को छील लिए हैं। आलू को हम इस तरह से एक आलू को 8 पीस कर लेंगे। यदि आप बड़े आलू ले रहे हैं तो 12-14 पीस करें इसी तरह से। तो देखिए सारे आलू को काट लिए हैं, अब हम पालक को पीस लेंगे। तो पालक को मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर पैन रखकर 2 चम्मच तेल डालकर तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता और ये लाल मिर्च। तो लाल मिर्च और तेज पत्ता पक चुके हैं, अब हम डाल देंगे जीरा ही। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और आलू को थोड़ी देर भूनेंगे। तो देखिए आलू भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक बार इस तरह से चला देंगे, और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये टमाटर। और टमाटर डालने के बाद थोड़ा और भूनेंगे सभी चीज़ों को, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, अब हम डाल लेंगे इसमें ये पालक और पालक को चलाकर थोड़ी देर भून लेंगे। तो देखिए पालक को भी एक मिनट सब्जी में मिलाते हुए भून लिए हैं, इससे ज़्यादा हम सब्जी को नहीं भूनेंगे। अब इसमें डाल देते हैं, ये जार में थोड़ा पालक का पेस्ट रह गया था, इसमें पानी डाल देंगे, मिला देंगे अच्छी तरह से।
और सब्जी में थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि सब्जी उबलने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। और चावल का आटा लिए हैं, इसे घोल लेंगे पानी में और सब्जी में ये घोले हुए चावल का आटा डाल देंगे और मिला देंगे अच्छी तरह से। और ये आधा धनिया पत्ता भी रख देंगे, आधा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। गरम मसाला डाल देंगे और उबालने देंगे सब्जी को। तो देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है, सब्जी हमारी बन चुकी है। इसे ज़्यादा हमें सब्जी को नहीं पकानी है, सब्जी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें हम ये जो घी लिए हैं ये आधा डाल देंगे, मिला देंगे अच्छी तरह से और आधा तो सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छी सब्जी बनी है, तो आप चाहे तो सब्जी को इसी तरह से सर्व करें या तड़का लगा लें। एक कली लहसुन का रखे थे, इसे बारीक काट लिए हैं। ये तड़का लगा लेंगे जीरा और लहसुन से, एक चम्मच तेल डाल लेंगे और लहसुन को पकने देंगे। अब जीरा डालेंगे इसमें, तो देखिए लहसुन पक चुका है, जीरा थोड़ा सा इस सब्जी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म सब्जी बन के तैयार है। इस सब्जी को आप रोटी पराठे चावल नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी ये हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाकर जरूर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी में।